समकालीन विश्व राजनीति पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है अपनी पहला प्रश्न है रूस में हुई 1917 की बोलसेविक समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था व्लादिमीर लेलिन बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया 1961 में बनाई गई थी बर्लिन की दीवार सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया सो, सोवियत संघ जब विभाजित हुआ पंद्रह देशों में तो इसका उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में किसको रूस को सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ तो पंद्रह देशों का उद्भव हुआ सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है गलत कथन है वो सिलेक्ट करना है वो ही हमारा उत्तर होगा सोवियत समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवाद के प्रभाव में थी सही है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व तो नियंत्रण था ये भी सही है जनता को आर्थिक आजादी थी ऐसी ये नहीं है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था ये भी सही है तो वहाँ जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी उन्नीस में, में जब सोवियत संघ बिखरा और रूस सोवियत संघ के बिखराव के बाद उन देशों में जो सोवियत संघ से अलग हुए उनमें शोक थेरेपी अपनाई गई थी वो मुक्त अर्थव्यवस्था का ही एक आर्थिक मॉडल था शोक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई तो 1990 में शोक थेरेपी को अपनाया गया था नेक्स्ट महत्वपूर्ण तो प्रश्न है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ तो अल्बानिया ए से शुरुआत हुई ए बी सी डी में ए से शुरुआत होती है तो आप भी ध्यान रखें अल्बानिया से शुरुआत हुई सोवियत संघ से धीरे धीरे सभी देश अलग होते चले गए और पंद्रह देश सब अलग हो गए सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था तो ये बने थे एल्सिन निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनको व्यवस्थित करना है काल कर्म के अनुसार सबसे पहले कौन सी घटना हुई बाद में कौन सी तो बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ उन्नीस में एटी में रूसी क्रांति सत्रह में हुई अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप एटी नाइन में हुआ विघटन घटन उन्नीस सौ इक्यानवे में हुआ दिसंबर उन्नीस सौ इक्यानवे तो कौन सा पहले है बी डी फिर ए और फिर सी कौन से ऑप्शन में है बी डी ए सी तीन नंबर के ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था संयुक्त स्युक, राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक विचार लड़ाई थी उसका अंत हो गया ये तो परिणाम था स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ यह भी था विश्व व्याप व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ यह भी था मध्य पूर्व में संकटीय नहीं था अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई नौ नवंबर उन्नीस को पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिराई गई थी किसके द्वारा गिराई गई जनता के द्वारा पूर्वी जर्मनी की जनता ने नौ नवंबर उन्नीस को यानी 90 से एक साल पहले बर्लिन की दीवार को गिराना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की ओर बालास्टिक गणराज्य के कौन से राष्ट्र आते हैं बालास्टिक गणराज्य में एस्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया लाल के नाम से याद कर लें आप लातविया ए से एस्टोनिया और एल से लिथुआनिया साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था एक दूरीय विश्व का उदय होना साम्यवादी गुट जैसे ही विभाजित हुआ पहले विश्व विश्व दो ध्रुवे बना हुआ था एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो एक ध्रुव का अमेरिका सोवियत एक ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था जैसे ही सोवियत संघ की विचारधारा कमजोर पड़ी और ये विघटित हुआ तो क्या हुआ एक ध्रुव विश्व यानी पूरा का पूरा ध्रुव है उसमें एक ही ध्रुव बचा अमेरिका समाजवादी गणराज्य समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था तो 1917 की क्रांति से आया था समाजवादी गणराज्य सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्व यूरोप के देशों के साथ साथ बनाए गए सैन्य संगठन का नाम क्या था वारसा पैक्ट कब बना था उन्नीस में वारसा पैक्ट पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण स अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है निकिता क्रूसचिव की मिखाइल गर्भासव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु तो किन दो नीतियों को अपनाया था ग्लास्तनोस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं खुलापन और पैरिस्तो का जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्रचना सोवियत संघ का विघटन कब हुआ पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ इक्यानवे को सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे मिखाइल गर्वाओसव उन्नीस सौ पिचासी से उन्नीस सौ इक्यानवे तक मिखाइल गर्भासवी राष्ट्रपति रहते हैं सोवियत संघ के और मिखाइल गर्भाव की नीतियों ही सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार थी किन देशों को दूसरी दुनिया कहा गया तो साम्यवादी खेमे के जो देश थे सोवियत संघ के नेतृत्व में उनको दूसरी दुनिया कहा गया 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी रूसी क्रांति समाजवाद के आदर्शों और क्षमता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित गर्भासव के सुधारों का विरोध किन नेताओं ने किया कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही विरोध किया था गर्भासव के सुधारों का रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे बोरिस शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आघात पहुंचाकर कर उपचार करना ये कब अपनाई थी ये भी ऊपर हमने देख लिया शोक थेरेपी से क्या तात्पर्य है धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूल परिवर्तनों को लाना क्या कहलाता है शोक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे और यागिस्तान में सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार था वो उत्पन्न हुआ तो रूस यूक्रेन जॉर्जिया और बाल्टी गणराज्यों में राष्ट्रवादी और जो भाव था वो उत्पन्न हुआ संप्रभुता का प्रश्न था वो प्राथमिकता में हो गया था सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम बताने एक तो शीत युद्ध की समाप्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपनाए शीत युद्ध की समाप्ति हुई और एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ पूर्व सोवियत संघ के से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए राष्ट्र का निर्माण किया तो एक राष्ट्र कुल बनाया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेकोसलाकिया किन दो भागों में टूट गया था चेक और स्लोवाकिया ये पिछली बार भी प्रश्न आया है उन्नीस में स्लोवाकिया इसी प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है चेकोस्लाकिया चेक और स्लोवाकिया उन्नीस में में यूगोस्लाविया के टूटने से किन दो राष्ट्रों का नाम मतलब कौन से देश बने उनका नाम लिखना है बोस्निया और हर्जगोविना युगोस्लाविया कब टूटा उन्नीस सौ इक्यानवे में कौन, कौन कौन से दो देश बने दो देशों के नाम बताने बोस्निया और एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे ब्रिजनेव औदीकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती में उसका प्रयोग किया गया समूहीकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे स्टालिन बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई उन्नीस में और गिराई कब गई उन्नीस में खड़ी की गई गिराई कब गई एट्टी नाइन में सोक थेरेपी के दो परिणाम बताने सोक थेरेपी अपनाई गई थी उन देशों में जो सोवियत संघ से अलग हुए थे आर्थिक मॉडल था और उद्धारीकरण को अपनाने के लिए किया गया था तो इसके परिणाम क्या निकले रूस में पूरा राज्य जो कि राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी वो चरमरा गई सामूहिक खेती यानी कृषि की प्रणाली थी वो समाप्त हो गई और लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी लोगों के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया और राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई इसके दो परिणाम थे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए पंद्रह से पंद्रह जो देश थे उनमें से ग्यारह देश इसमें शामिल हो गए थे दिसंबर उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत संघ का विघटन हुआ ये सोवियत संघ के किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलकर बनाया गया था तो ये दो उन्नीस सौ बाईस में बने थे पंद्रह देशों को मिलाकर सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम है वारसा और अमेरिका ने बनाया था नाटो और किस घोषणा के साथ खत्म हुआ है उन्नीस सौ नवासी में यानी एट्टी नाइन में गरवा जो के अंतिम राष्ट्रपति थे उन्होंने घोषणा की कि वारसा के जितने भी देश हैं वो अपने भविष्य स्वयं निश्चित करें ये घोषणा किसने की ऐसा भी पूछा जा सकता है मि... मिखाइल गरवास ने कब की 89 नाइन में और एक जुलाई उन्नीस सौ कोई को सोवियत संघ का जो ये ग्रुप बना हुआ था ये समाप्त हो गए किस पार्टी का सोवियत संघ राज व्यवस्था पे दबदबा था तो कम्युनिस्ट पार्टी का किसने उन्नीस में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की मिखाइल गरवा चौ ने किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध की अंत का प्रतीक था 89 में जो दीवार गिराई गई उसका माना गया कि अब शीत युद्ध है उसका अंत हो जाएगा सोवियत रूस में मैन से भी हुई थी उन्नीस में सोवियत संघ में बोल सेविक क्रांति उन्नीस सौ सत्रह में पूंजीवाद के विरुद्ध थी सोवियत रूस में बोलसेविक क्रांति का नारा क्या था भूमि रोटी और शांति निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं अभी हम इसमें सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने कौन कौन से उत्तरदायी कारण रहे राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरी इसका प्रमुख कारण था पॉइंट बनाए और उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए अपने प्रश्न को अपने उत्तर को प्रभावशाली बनाएं ताकि आपके पूरे पूरे मार्क्स मिल सके तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे अब राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरी दूसरा पॉइंट बनाएंगे परमाणु और सैन्य सामान पर अत्यधिक व्यय किया गया क्योंकि अमेरिका से तनाव चल रहा था तो अधिकांश जो संसाधन थे वो सैनिक समय सैनिक जो भी सामान था तकनीक थी उन पर खर्च किया गया और परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा था लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत व्यवस्था के पिछड़ने की पहचान का होना लोगों को अब ये होने लगा कि हमारे जो अधिकांश रिसोर्स हैं उनको युद्ध के हालातों से निपटने यानी सैन्य और जो भी परमाणु क्षमता है उसी को हासिल करने पर लगा दिया गया लोगों की खुद की क्षमता पे नहीं लगाया गया उनकी तकनीक के विकास पे नहीं लगाया गया प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्धता पे भी अब लोगों का ध्यान गया क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरशाही थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी गर्भासव के समर्थन की समाप्ति गर्भाव ने सोवियत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ग्लासनोस्त और पैरिस्तोिका जैसी नीतियों की शुरुआत की थी जनता का एक तबका सुधारों सुधारों की जो नीति थी उसकी धीमी गति के कारण गर्भासव से नाराज़ हो गए तो भोगी जो वर्ग था उसके विशेषाधिकारों में कमी होने लगी तो वो उस नाराज़ था इस प्रकार गर्भासव का समर्थन चारों तरफ से समाप्त हो गया था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का ज्वर रूस यूक्रेन जॉर्जिया और बोल्टिक जो गणराज्य थे उनमें राष्ट्रीयता संप्रभुता के भाव थे वो उभर रहे थे तो वो भी सोवियत संघ के विघटन के कारण बने तात्कालिक कारण बने वो सिर्फ कारण ही नहीं बने तात्कालिक कारण बने यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो एक दूर विश्व में हुए और कौन कौन से आर्थिक विकास नहीं होते तो अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण शुरू नहीं होता अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो वैश्वीकरण जो कि उन्नीस के दशक के बाद ही हुआ है तो वो नहीं होता वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व नहीं होता उसके बाद ही पूंजीवाद का वर्चस्व हुआ वा, उदारवादी विचारधारा का वर्चस्व हुआ हुआ है पूर्व यूरोप के साम्यवादी देश सोक थेरेपी से नहीं गुजरते क्योंकि 1990 के दशक के बाद ही इन देशों में शोक थेरेपी अपनाई गई तो उनको शोक थेरेपी जैसी असफल नीतियों का सामना नहीं करना पड़ता एक असफल आर्थिक मॉडल के रूप में सामने आए लोगों के सोवियत संघ के विघटन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है तो सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पे भी काफी प्रभाव पड़ा है, तो भारत पे तो भारत का एक सच्चा मित्र था परंपरागत मित्र था पुराना मित्र था सोवियत संघ उसके विभाजित होने से भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ भारी मात्रा में आर्थिक सैनिक सहायता और तकनीकी सहायता देता था तो सोवियत संघ के विघटन के भारत को कोई इस प्रकार की सहायता में न कम हो गई जिसके कारण भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका जैसे अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना पड़ा और उनकी कूटनीतिक दबाव को भी झेलना पड़ा भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली महत्वपूर्ण तो मानने लगे भारत जिसने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था उसको छोड़कर भारत को वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा यानी उदारीकरण निजीकरण करना पड़ा वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनानी पड़ी सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के वातावरण संघर्ष में तो कमी आई जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना भी दिखाई देने लगी और जिसके परिणाम भारत जैसे देशों ने अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान दे, देना शुरू कर दिया सोवियत संघ के पतन के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई जिसके कारण किसी भी राष्ट्र से नज़दीकी संबंध बनाने के लिए किसी भी गुट में शामिल होने की बाध्यता थी वो भी समाप्त हो गई और इस पहले बाध्यता थी इसलिए भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया था सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती से रिश्ते बनाने ओर रुख किया सोवियत संघ के विघटन के परिणाम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत संघ के पतन के पश्चात विश्व राजनीति में मोटे तौर पर तीन प्रकार के दूरगामी परिवर्तन देखे गए कौन कौन से एक तो शीत युद्ध के दौर में जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ दूसरा विश्व राजनीति में शक्ति जो संबंध थे वो भी बदल गए पहले या तो सोवियत संघ की तरफ या अमेरिका की तरफ सम, समाजवादी ग्रुप या उदारवादी ग्रुप तो अब सिर्फ एक ही बचा था उदारवादी लोकतंत्र जिसको सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ नए देशों का उदय भी था सोवियत संगठन से अलग हुए देशों ने अपना एक अलग स्थान बनाया यूरोपीय संघ बना वो नाटो में शामिल हुए अति तो महत्वपूर्ण तो प्रश्न है अपना सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देख लिए हमने शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई नई जो शांति थी उसकी संभावना का जन्म हुआ विश्व राजनीति में शक्ति जो संबंध थे वो बदल गए और सोवियत खेमे का अंत से एक नए देशों का उदय भी हुआ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव पावर ऑफ अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर यानी सत्ता के वैकल्पिक के केंद्र जैसे ही द्विध्रुवीयता का अंत हुआ तो सत्ता के अनेक वैकल्पिक केंद्र बनने शुरू हो गए थे तो उन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में से इस चैप्टर में हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ और जो अपना आसियान है उसको चीन की जो बढ़ती हुई ताकत जापान एक वो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के रूप में इन देशों के बारे में हम पढ़ते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई तो ये स्थापना हुई 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ तो उन्नीस में यूरोपीय परिषद बनी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ तो ये उन्नीस सौ में आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में उन्नीस के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई खुले द्वार की नीति चीन ने अप, खुले द्वार की नीति कब अपनाई तो ये भी साल भी आपको ध्यान रखना है उन्नीस में वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है सत्ताईस देश हैं वर्तमान में यूरोपीय संघ का अट्ठाईसवाँ सदस्य देश कौन सा बना था तो ये क्रोशिया बना था अब ये दोनों प्रश्न आपके कन्फ्यूजन पैदा कर रहे होंगे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सदस्य देश कितने सत्ताइस और यहाँ अट्ठाईसवाँ देश कौन बना क्रोशिया तो सत्ताईस कैसे हैं तो जैसे ही क्रोशिया सदस्य देश बना इसका यूरोपीय संघ का अट्ठाइसवाँ उसके बाद ब्रिटेन बगजिट जिसको हम बोलते हैं बेगजिट यानी बी से ब्रिटेन एग्जिट यानी बाहर होना तो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया ब्रिटेन 2016 में उसके लिए मतदान हो चुका था जनमत संग्रह तो ब्रिटेन बाहर निकलने से अब इसमें सदस्य देश बचे सत्ताईस यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था तो ये हुआ उन्नीस उन्यासी में सेवेंटी नाइन में चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया वो साल थी उन्नीस सौ बयासी कृषि का निजीकरण यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है यूरो। यूरोप यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय है इकोनॉमिक कम्युनिटी उसका गठन उन्नीस सौ में यूरोपीय संघ के कितने देश सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं तो पहले यूरोपीय संघ के दो देश थे वर्तमान में कितने हैं फ्रांस एक ही है यूरोपीय संघ के कितने देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश उनमें शामिल है यानी एक सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों में सदस्यों की संख्या कितनी है पांच उनमें से यूरोपीय संघ का सदस्य देश है एक फ्रांस किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया यानी वो बिना किसी विजिट वीजा के एक देश से दूसरे देश की सीमा में जा सकते हैं तो ये सागेन संधि हुई थी 85 में आसियान क्षेत्रीय संघ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय फोरम कब बना था उन्नीस सौ चौरानवे में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं एक है फ्रांस कौन सा देश है फ्रांस यूरोपीय संघ के झंडे में बारह सितारे किसके प्रतीक है पूर्णता समग्रता और एकता के प्रतीक है बारह सितारे आसियान शैली क्या है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आसियान शैली जो कि अनौपचारिक इन देशों के बीच औपचारिक होता है जिसको सिर्फ लिखा पढ़ी में रखा जाए महज एक औपचारिकता अनौपचारिकता होती है वास्तव में उस पर काम करना जैसे टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है आसियान देशों की उसको कहते हैं आसियान शैली आसियान किस प्रकार का संगठन है एक असैनिक संगठन है और आर्थिक विकास पर जोर देता इसलिए ये है इसलिए यह असैनिक आर्थिक संगठन है असैनिक मतलब इसका मकसद कोई सिर्फ सेना बनाना नहीं है असैनिक संगठन है आर्थिक विकास के लिए आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास करना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि द्वारा तो ये सात फरवरी उन्नीस सौ बानवे को मेस्ट्रीच संधि हुई थी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन नहीं आसियान की स्थापना की संधि द्वारा मैस्ट्रीज संधि द्वारा सॉरी यूरोपीय संघ की स्थापना मैस्ट्रीज संधि द्वारा और आसियान की स्थापना उन्नीस में बैको घोषणा द्वारा आसियान में कितने सदस्य देश हैं दस शुरुआत में पाँच थे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है शुरू के सदस्य देश कौन से हैं इंडोनेशिया फिलीपींस सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड इम्फी थाईलैंड मैं तो ऐसे याद करती हूँ इम्फी ई से इंडोनेशिया फी से फिलीपींस सी से सिंगापुर थाईलैंड और मलेशिया इम्फी सिंगा थाईलैंड आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इनका नाम है सेज का पूरा नाम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है याद कर लें इसको एक बार में नहीं हो रहा दो बार कर लें दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिण और पूर्वी राष्ट्रों का एक ग्रुप है संगठन है उसका नाम है आसियान सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुरक्षा आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय जितने भी देश हैं इनके उनके बीच विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर सिर्फ बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना इसका सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है आसियान आर्थिक जो समुदाय बना हुआ है उसका क्या उद्देश्य है तो उसका उद्देश्य है कि इन देशों का जो भी इसके ग्रुप में देश हैं उन देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास में आपस में मिलजुल कर साझा बाजार उपलब्ध कराना आर्थिक विकास करना सामाजिक विकास करना आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं सुरक्षा समुदाय है आर्थिक समुदाय है और सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है चीन ने अपने ओपन डोर की नीति यानी मुक्त द्वार की नीति या खुले द्वार की नीति कब अपनाई उन्नीस में नेता कौन थे देंग संग पोंग चीन ने एकांतवास की नीति को कब त्यागा या परित्याग कब किया इसका उन्नीस में दो में दोतरफा संबंध अपनाए और एकांतवास को समाप्त किया अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए मार्शल योजना क्या है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए यूरोप पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को जो कि दूसरे विश्व युद्ध में ध्वस्त हो चुकी थी उसको पुनर्गठित करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी और जो उसका नेतृत्व करने वाले अधिकारी थे जॉन मार्शल उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रख दिया गया है मार्शल योजना तिथि के हिसाब से इनको क्रमबद्ध करना है विश्व व्यापार संगठन में चीन ने कब प्रवेश किया आर्थिक समुदाय की स्थापना कब यूरोपीय संघ की स्थापना क्षेत्रीय आर्थिक मंच कब बना तो इनका मिलान करना है तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना उन्नीस सौ में यूरोपीय संघ की स्थापना उन्नीस सौ में क्षेत्रीय मंच कब बना उन्नीस सौ चौरानवे में और विश्व व्यापार मंच जो संगठन है उसमें चीन ने प्रवेश किया 2001 में सुमेलित कीजिए आसियान की स्थापना कब हुई उन्नीस में सिक्सटी सेवन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहयोग संगठन कब बना उन्नीस में यूरोपीय परिषद उन्नीस में यूरोपीय संघ की स्थापना उन्नीस में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना उन्नीस में मार्शल योजना के आधार पर हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था पश्चिमी यूरोप के देशों की क्या करना आर्थिक मदद करना क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं इनके उद्देश्य क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य क्या होता है तो क्षेत्रीय संगठन यानी क्षेत्र के उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी देश हों मान लें कि ये क्षेत्र है यूरोप का मान लें यूरोप महाद्वीप है इसमें रहने वाले देश अगर कोई ग्रुप बनाएंगे तो उनका मूल उद्देश्य क्या होगा तो ये आपस में मिलजुल कर क्या करें सहयोग करें और अपना आर्थिक विकास करें वहाँ के जो जनता है उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास कर सके तो ये और अपनी जो कठिनाइयाँ हैं उनको परस्पर सहयोग से कम कर सकें उनका उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें और क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करना यूरोपीय संघ आसियान ये क्या है क्षेत्रीय संगठन है बाहरी हस्तक्षेप को बाहरी जो भी हस्तक्षेप हो रहा है उसका डट कर ये मुकाबला कर सकते हैं मिलजुल कर यूएनओ के कार्यों में सुगम कर सकते हैं अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को वहाँ उठा सकते हैं आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का आर्थिक विकास करना अपने देशों का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यापारिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास करना परस्पर सहायता करना सामूहिक सामूहिक जो सहयोग है तथा बातचीत से साझी समस्याओं को हल ढूंढना दक्षिणी पूर्व एशिया देशों में साझा बाजार तैयार करना क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना अपने क्षेत्र विशेष में शांति स्थापित रहे और स्थायित्व रहे उस पर जोर देना आसियान तेजी से बढ़ता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक संगठन है इस पक्ष में तर्क देने आपको या विजन ट्वेंटी ट्वेंटी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका निभा रहा है ये इसके पक्ष में लिखना है तो आसियान की प्रासंगिकता क्या है प्रासंगिकता का मतलब होता है ये क्या ऐसा संगठन है कि वर्तमान में समस्याओं का समाधान कर सकता है आसियान तेजी से बढ़ता एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है बिल्कुल सही आसियान टकराव की जगह बातचीत सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पर बल करता बल देता है ये भी सही है ये टकराव में विश्वास नहीं करता यह बातचीत और सहयोग में विश्वास करता है प्रमुख महत्वपूर्ण तो क्षेत्रीय संगठन है दक्षिणी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए उन्नीस सौ में नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन हो रहा है उन्नीस से नियमित रूप से वार्षिक बैठकें हो रही हैं पूर्वी एशियाई सहयोग के लिए आसियान की मौजूदा आर्थिक ताकत ने चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट कर दिया है ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों तथा विश्व की जो शक्तियाँ हैं वहाँ राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है आसियान विजन क्या है या आसियान शैली ट्वेंटी ट्वेंटी ये बताना है तो ये आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा क्षेत्रीय जो पहचान है इनकी विशिष्ट पहचान है उस पर काम करना सुरक्षा समुदाय आर्थिक समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से जो भी क्षेत्रीय हित है उनकी रक्षा करना आसियन शैली दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करके आर्थिक सहायता प्रदान करना निवेश पे जोर देना श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकना अपना जो क्षेत्र है वहाँ पे अमेरिका का जैसी ताकतों का वर्चस्व नहीं हो उसको भी रोकने के लिए काम करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे चीन ने अपनी मुक्त द्वार की नीति अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया उन्नीस में खुले द्वार की नीति अपनाई निजीकरण को अपनाया कृषि में निजीकरण उन्नीस में अपनाया सेज को अपनाया उन्नीस में इसने अपने एकांतवास को समाप्त किया और उन्नीस में जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन ने कृषि उद्योग सेना विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकरण करने के लिए चार प्रस्ताव रखे थे तो इस प्रकार से चीन आज बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ एक आर्थिक ताकत बन गया है भारत चीन संबंधों में कटुता के क्या कारण है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने ये कौन कौन से कारण हैं कटुता के सीमा विवाद है लगभग चार हजार जो किलोमीटर की सीमा है उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है भारत के और उस पर अपना दावा बार बार कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी अक्साई चीन में हस्तक्षेप करता रहता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोन रेखा पाकिस्तान को परमाणु सहायता देने पर भी दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहते हैं हिंद महासागर में भी चीन अपना दबदबा बना कर रखना चाह रहा है और भारत को हिंद महा हिंद महासागर की तरफ से चारों ओर से घेरने के लिए भी प्रयास करता रहता है और इसके लिए उसने म्यांमार में एक द्वीप बना रखा है पाकिस्तान में कराची द्वीप है ग्वादर बंदरगाह भारत विरोधी रवैया भी चीन अपनाता है भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनने की जो बात आती है तब भी चीन भारत का विरोध करता है ये जो प्रश्न है ये भारत चीन के बीच तनाव के कारण है वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप के में जापान एक प्रभावकारी भूमिका निभा रहा है पर प्रकाश डालना है तो जापान किस प्रकार से अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में तो ये एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जापान ने तीव्र आर्थिक विकास किया है और इसके बजट का दस प्रतिशत योगदान ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को देता है और आर्थिक योगदान के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है सैन्य वे के लिहाज से भी जापान सातवां बड़ा देश है और 1917 में सॉरी 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी उपयुक्त तो विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जापान शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप के में अपनी भूमिका निभा रहा है आज की चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है नियंत्रित अर्थव्यवस्था का आपको ध्यान हो चीन की अर्थव्यवस्था पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जो कि पूरी तरह से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी बंद अर्थव्यवस्था जिसको हम बोल सकते हैं उन्नीस से चीन ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था से खुली द्वार की नीति अपना ली दूसरा पॉइंट है कि और इसने जो एकांतवास था उन्नीस में खत्म कर दिया और अमेरिका के साथ संबंध बना लिए यानी अपने जो संबंध थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने शुरू किए और विशेषकर के अमेरिका के साथ सेज की नीति अपना ली विशेष आर्थिक जोन होते हैं सेज राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम निजीकरण की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपना लिया चीन ने पहले राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी लेकिन बाद में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को का निजीकरण करते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ लिया रोजगार और सामाजिक कल्याण संबंधी अंतर भी है पहले चीन की अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को, को रोजगार और सामाजिक कल्याण और योजनाओं का लाभ बेरोजगारों को नहीं मिल रहा मतलब जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी बेरोजगारों को नहीं मिल रहा विदेशी निवेश संबंधी अंतर चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश नगण्य था जबकि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसके लिए आकर्षक देश बनकर उभरा है चीन में लोग निवेश करना पसंद करते हैं तो यह अति महत्वपूर्ण तो प्रश्न थे अपने समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण तो चैप्टर है अपना समकालीन दक्षिणी एशिया समकालीन दक्षिणी एशिया यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है और भारत के पड़ोसी देशों की बात इसमें होगी तो समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया अपनी किस प्रकार से भूमिका निभा रहा कौन कौन सी समस्याएं यहाँ प्रजेंट में हैं उन्हीं पे आधारित ये चैप्टर अपना निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता तो चीन है वो दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता भारत मालदीव भूटान ये सब हैं श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा जिनमें से वह कौन सी कठिन चुनौती थी तो ये क्या थी जातीय संघर्ष का दक्षिणी एशिया के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है तो इसी से हमारे कई प्रश्न हल हो जाएंगे दक्षिणी एशिया में केवल एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है यही प्रश्न गलत है दक्षिणी एशिया के देशों में एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है क्योंकि हमें पता है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है वहीं चीन में कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक तंत्र आता रहता है वहीं अगर नेपाल में देखें तो पहले राजतंत्र था फिर लोकतंत्र आया वहीं भूटान में देखें तो वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है वहीं अगर हमें श्रीलंका में देखें तो वहाँ लगभग लोकतंत्र ही कायम रहा है वहीं अगर मालदीव में देखें तो पहले यहाँ गण... राजतंत्र था तो अब यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ है तो भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि बाकी इसमें सही है भारत और बांग्लादेश में नदी जल की हिस्सेदारी एक समझौते पर हस्ताक्षर के सही है सापटा पे हस्ताक्षर 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले बारहवें शिखर सम्मेलन में सापटाप वन जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त तो राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाते हैं ये भी सही है भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए उन्नीस में, में। दक्षिणी एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की व्यवस्थाओं का शासन रहा तो कौन सा देश है वो जहाँ सैनिक भी रहे सैनिक तंत्र भी रहा है और लोकतंत्र भी रहा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिणी एशिया में स्थित देश श्रीलंका नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित रहा है यानी जातीय समस्या रही है यहाँ श्रीलंका में राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह अतिवादियों के बीच संघर्ष का कारण राजनीतिक अस्थिरता का, का वातावरण कहाँ बना रहा नेपाल में चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन से हैं दक्षिणी एशिया के नेपाल और भूटान है दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने अपने सबसे पहली अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया श्रीलंका ने किया नेपा सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी वो देश कौन सा है पाकिस्तान सेना जब लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो वहाँ सेना का वर्चस्व कभी भी कायम हो सकता है और वहाँ सेना की ज़्यादा चलती है तो वो देश है पाकिस्तान दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश जिसकी सीमा दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से लगती है तो भारत की सीमावर्ती देश हैं ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं दक्षिणी एशिया के देश और दक्षिणी एशिया में के देशों में केंद्रीय भूमिका निभाता है भारत सबसे बड़े क्षेत्रफल और बड़े भाई के रूप में इसकी भूमिका रहती है पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण 28 मई उन्नीस को चंगाई की पहाड़ियों में किए थे सर्किक सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है सर्क्रिक विवाद जो कि कच्छ के रण में गुजरात में नेपाल में राजतंत्र के खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपने दो में लोकतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बना नेपाल ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय उन्नीस में श्रीलंका को आज़ादी उन्नीस में मिली सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका उन्नीस में हुआ शीतकालीन सैन्य गुट शीत युद्धकालीन यानी जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1990 के दशक तक तो तब एक सैनिक गुट था सेटो पाकिस्तान कब उसमें शामिल हुआ उन्नीस में या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का कौन सा देख देश शीत युद्धकालीन यानी सैन्य गुटों का हिस्सा भी रहा है तो पाकिस्तान रहा है सीटो सेंटो का शीत युद्धकालीन सैन्य गुट केंद्रीय संधि संगठन सेंटो पाकिस्तान में कब शामिल उन्नीस सौ में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ तो उन्नीस सौ साठ में हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपने भूटान की व्यवस्था के बारे में लिखिए भूटान में अब भी राजतंत्र है लेकिन वहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की योजना शुरू कर दी वह देश जिसने शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी लेकिन अब गणतंत्र है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित हो गई है वह मालदीव जो कि उन्नीस में गणतंत्र बना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की लोकतंत्र की दो शासन प्रणाली होती है मुख्यतः अध्यक्षात्मक और संसदात्मक भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और मालदीप में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो ये भी पूछा जा सकता मालदीप में कौन सी शासन व्यवस्था है तो मालदीप में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली बांग्लादेश को वह हिमालय देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है जो तरुण तरफ से भूमि से घिरा हुआ है भूटान है वह संवैधानिक राजतंत्र श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका रही है 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिट्टे का श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष जातीय संघर्ष प्रारंभ रहा है। भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने की तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1960 में हुआ तो उस समय पंडित नेहरू ही थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब का भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता से अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया 14वां शिखर सम्मेलन व सार्क का 2007 में आठवां सदस्य देश बना था भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ 1962 में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने भारत और चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे भारत और चीन युद्ध के बीच राष्ट्रपति कौन थे माउद से तुंग थे चीन के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्ता देने के लिए छत सूत्री प्रस्ताव रखे उन्नीस सौ छियासठ में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ दस जनवरी उन्नीस सौ छियासठ को मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना ताशकंद समझौता कब हुआ उन्नीस सौ छियासठ में किसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की तरफ से कौन थे भारत की तरफ से कौन से कौन थे तो भारत की तरफ से पंडित सॉरी लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे उस समय और पाकिस्तान की तरफ से अयूब का लिट्टे का पूरा नाम और लिट्टे संगठन की मुख्य मांग क्या थी तो लिट्टे का पूरा नाम है लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिलम और लिट्टे की मुख्य मांग क्या है कि तमिलों को पृथक राष्ट्र का गठन करके दिया जाए यानी पृथक राष्ट्र होना चाहिए तमिलों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते में किसने हस्ताक्षर किए लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब खां भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति थे उस समय कोशिगन उनकी मध्यस्थता से भारत और सोवियत संघ ने बीस साल के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए उन्नीस में या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है उन्नीस सौ इकहत्तर में किन देशों ने बीस वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए भारत और सोवियत संघ ने भारत और पाक युद्ध कब हुआ जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ उन्नीस सौ इकहत्तर में और उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के बाद एक संधि हुई थी शिमला समझौता हुआ उसका नाम शिमला सम्, समझौता उन्नीस सौ बहत्तर में हुआ है तीन जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर को भारत और पाकिस्तान के बीच और ये किन नेताओं के बीच हुआ भारत की तरफ से इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुलीफ कार अली भुट्टो भारत के परमाणु परीक्षण भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए पहला अठारह मई उन्नीस सौ चौहत्तर को पोकरण जैसलमेर में और दूसरा ग्यारह और तेरह मई उन्नीस सौ को खातोलाई लाई पोकरण जैसलमेर भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति दक्षेश सार्क के पहला सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में दक्षिणी एशिया के देशों ने दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए दिसंबर उन्नीस को दक्षेस की स्थापना कब हुई उन्नीस को भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों सुविधाओं पर हमला करने के समझौते पर हस्ताक्षर उन्नीस में हुआ भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब हुआ उन्नीस सौ से नब्बे तक और इन ऑपरेशनों का नाम पवन त्रिशूल विराट चैकमेट ये रखे गए थे भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब और किस समझौते के तहत गई थी राजीव जयवर्धन समझौते के तहत प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजीव जयवर्धन समझौता किन देशों के बीच हुआ तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ कब हुआ उन्नीस में किस किस के बीच हुआ राजीव गांधी और श्रीलंका की तरफ से जयवर्धन मालदीप मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षडयंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना कब भेजी थी उन्नीस में फरक्का संधि क्या थी मालदीप से संबंधित विवाद चल रहा है तो ये भी आप मालदीप से संबंधित जितने भी अपने चैप्टर में प्रश्न बन रहे वो सब आपको याद रखने मालदीप गणतंत्र कब बना मालदीप में कौन सी शासन व्यवस्था है मालदीप के साथ कौन सा समझौता हुआ फरक्का संधि क्या है गंगा नदी के पानी के हिस्से के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई थी कब उन्नीस सौ को इसका नाम क्या रखा गया है फ्रक्का सार्क का पूरा नाम क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इंग्लिश का आपको याद नहीं हो रहा तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिणी एशिया के देशों का क्षेत्रीय स्तर पर एक सहयोग संगठन बना हुआ है उसका नाम है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सापटा क्या है दक्षिणी एशिया के ही देशों के बीच एक व्यापार वैरियता संधि है साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुए और ये इसका उद्देश्य क्या है तो इस पे, पे संधि पर हस्ताक्षर 2004 में और ये 6 में प्रभावी हुई और इसका मुख्य उद्देश्य है सार्क के देशों के बीच मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देना फ्री ट्रेड दक्षिणी एशिया क्षेत्र की विशेषता बताइए तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना और शत्रुता आशा और निराशा पारस्परिक शंका और विश्वास सब बने हुए रहते हैं सब रहते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बीच सद्भाव भी रहता है तो शत्रुता भी रहती है आशा भी रहती है कि अब संबंध अच्छे होंगे फिर निराशा हाथ लगती है तो आशा और निराशा भी रहती है पारस्परिक शंका भी रहती है भारत सोचता है पाकिस्तान हमला कर देगा पाकिस्तान सोचता है भारत हमला कर देगा अन्य छोटे छोटे देश जैसे भूटान है नेपाल हैं मालदीप हैं तो इनको और आशंका रहती है कि पता नहीं भारत कब कब कर लेगा भारत एक बड़ा क्षेत्रफल चे, वाला देश है तो शक शंका विश्वास सब यहाँ इस क्षेत्र में पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाई है पाकिस्तान में लगातार स्थाई लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाता कौन सी कठिनाई है तो यहाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेना आईएसआई आई और धर्मगुरुओं का यहाँ गठजोड़ रहता है लोकतंत्र पे सेना हावी हो जाती है धर्मगुरु हावी हो जाते हैं और ये आपस में गठजोड़ भी कर लेते हैं और जो लोकतंत्र होता है उसका तख्ता पलट कर देते हैं पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुई तो लोकतंत्र में दो में देशव्यापी लोकतंत्र को समर्थन प्राप्त हुआ और इससे बाध्य होकर नेपाल के राजा उस समय थे ज्ञानेन्दर उन्होंने संसद बहाल कर दी थी और नेपाल में नई संविधान सभा बनी इस संविधान सभा ने नेपाल के राजा को न, सिर्फ औपचारिक शक्तियां यानी आलंकारिक अर्थों में ही राजा का पद ऐसे दो मामले जिन पर भारत बांग्लादेश आपस में सहयोग है और आपसी मतभेद है तो पहले सहयोग वाले बिंदु देखते हैं सहयोग किस किस में है सार्क्स बिस्मटेक रोहिंग्या शरणार्थी भूमि समझौता जो कि 2015 में हुआ बस डिप्लोमेसी आपसी मतभेद कौन से हैं तिस्ता नदी के विवाद को लेकर मुहरी नदी विवाद को लेकर नव जो द्वीप है उस मुद्दे को लेकर पीरदावाह की घटना और फिंसी डील तस्करी विवाद चकमा शरणार्थी ये सब विवाद के मुद्दे हैं दक्षिणी एशिया में विपक्षी संबंधों को बारी सकते हैं किस प्रकार प्रभावित करती हैं तो दक्षिणी एशिया के देशों को आर्थिक सहायता देकर सैनिक अड्डे बनाकर हथियारों की सप्लाई करके देशों में आपसी टकराव पैदा करके विचारधारा के आधार पर सैनिक गठबंधनों का गठन करके उनको सदस्य बनाकर जैसे पाकिस्तान को सीटो सेंटो का सदस्य से बनाकर तो दक्षिणी एशिया के संबंधों में भारी शक्तियाँ अपने हस्तक्षेप करते रहती हैं, हैं। विशेषकर अमेरिका और चीन दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका क्या है तो आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाकर तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने में ये अपनी भूमिका निभाते दक्षिणी एशिया पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए हुआ है तो दक्षिणी एशिया पद का इस्तेमाल सात देशों के लिए किया गया है जो कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका और मालदीव पाकिस्तान के सैनिक तानासाही के नाम इन इन तानाशाहों ने लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पर सैनिक शासन स्थापित किया था जिसमें जनरल अयूब खां आइया खान जियाउ उलह हक परवेज मुशरफ मालदीव की शासन प्रणाली और राज व्यवस्था के बारे में तो इसको हम देख चुके पहले मा, माल मालदीप एक द्वीपीय देश है ये भी हम देख ली हमने देखा और मालदीप में उन्नीस तक सल्तनत शासन था अड़सठ में गणतंत्र बना अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई 2005 में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया और यहाँ मतदान हुआ मालदीप ये डेमोक्रेटिक पार्टी एम जो राजनीतिक मामलों में दबदबा रखती है और 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई थी पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थाई न रहने के कारण तो यहाँ सेना का बहुत बड़ा रोल रहता है धर्मगुरु भूमि भूस्वामी बड़े बड़े जो जागीरदार हैं उनका भी रोल रहता है पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध क्यों किया और किस कारण से किया तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा हमें पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बटा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बंगाली संस्कृति और भाषा के आधार पर उर्दू भाषा को लादने के कारण दुर्व्यवहार करने कारण के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताया था श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है तमिल समस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है आज़ादी के बाद से श्रीलंका में सीहली जो लोग थे बहुसंख्या में हैं और तमिल जो लोग हैं वो संख्या में कम है और तमिल हैं भी दो प्रकार के एक वो तमिल जो भारत से कभी अपने काम के लिए गए थे और एक वहीं के तमिल तो जो सहली लोग हैं उन्हीं को सभी अधिकार प्राप्त हैं और तमिलों को जो कि अल्पसंख्या में हैं उनको वहाँ अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लिब्रेशन टाइगर बना रखा है तमिल इलम लिट्टे आतंकवादी ग्रुप उसके द्वारा अपनी मांगों को सरकार से मंगवाने की को कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से ये जातीय संघर्ष है लुक ईस्ट नीति जो पॉलिसी है वो क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना लुक ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो भारत के पूर्व में स्थित जो भी देश हैं जो आसियान के देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ आर्थिक रूप से रणनीतिक रूप से सहयोग को बढ़ावा देना या उनके साथ जुड़ाव को मजबूत करना और इसी नीति को ये नीति उन्नीस सौ बानवे में, में अपनाई गई थी नरसिंह राव सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के नरसिंह राव तो लुक ईस्ट नीति अपनाई गई दो हजार चौदह में इस नीति का नाम बदल कर एक्ट ईस्ट नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया तो ये अति महत्वपूर्ण तो प्रश्न है अपने ताकि जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं आसियान वाले उनके साथ आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से रणनीतिक रूप से राजनयिक रूप से भारत का ज्यादा से जुड़ाव हो सके ज्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो सके इस नीति को नाम दिया गया लुक ईस्ट नीति नेक्स्ट अपना चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्तर पे जो संगठन बनाए जाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो संगठन है अपना यू संयुक्त राष्ट्र संघ उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है ऐसा किस महासचिव ने कहा डैंग हैमरसोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे डेंग हैमरसोल्ड उन्होंने कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ऐसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को सर्व तक पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है बल्कि उसे नरक से बचाने के के लिए हुआ है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र संघ सदस्य हैं वर्तमान में कितने हैं संयुक्त संघ की आम सभा में कोई राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है तो पांच प्रतिनिधि भेज सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा स्थित है हेंग नीदरलैंड में पे है हेंग नीदरलैंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न अपनाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो कुल न्यायाधीश पंद्रह होते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने थे तो मूल संस्थापक सदस्य थे इक्यावन जब मूल मतलब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय इक्यावन सदस्य देश थे फिर धीरे धीरे जुड़ते हुए वर्तमान में कितने हो गए एक सौ तिरानवे आई एम एफ में कुल कितने सदस्य देश हैं? वन एट नाइन आई एम एफ में सर्वाधिक मताधिकार है वो किसके पास है वो अमेरिका के पास है आई एम एफ में भारत के कितना प्रतिशत मताधिकार है तो वह टू पॉइंट सिक्स फोर प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है वह है छः संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है दो वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या ग्यारह से बढ़कर पंद्रह कब हुई थी तो उन्नीस सौ पैंसठ में हुई ग्यारह से बढ़कर पंद्रह तो प्रारंभिक प्रारंभ में कितनी थी ग्यारह वर्तमान में कितनी है पंद्रह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई तो दो हजार छः में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं तो वह हैं सैंतालीस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो चुने जाते हैं तीन वर्ष के लिए भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए तो तीस अक्टूबर उन्नीस का दिन था जब भारत ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है तो एंटान्यो गुंटेरस पुर्तगाल के हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे तो वो थे ट्रिग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो डेंग हैमरसोल्ड, तो डेंग हैमरसोल्ड का जो कमेंट था ऊपर हमने पढ़ा वो भी आपको ध्यान रखना है और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी विमान दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ के वह महासचिव जिन्हें मरणोपरांत नोबल शांति पुरस्कार दिया गया तो वो कौन थे वो भी डैंग थे संयुक्त राष्ट्र संघ का वह महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा ऑफ पीस रिपोर्ट जारी की थी तो वो थे बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन था सोवियत संघ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है मूल सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्व जो गामी संगठन था वो कौन सा था राष्ट्र संघ जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीग ऑफ नेशन महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है सुरक्षा परिषद की सलाह पर करता कौन है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी होता है महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाला अंतिम ट्रस्टी एक नवंबर उन्नीस सौ को कौन सा था जो आजाद हुआ पलाऊ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी राजस्थाई होते हैं पांच स्थायी दस अस्थायी टोटल तो पंद्रह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में किन देशों के पास विशेष विशेषाधिकार की शक्ति यानी वीटो पावर है पांच देश हैं वो अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन और फ्रांस कैसे याद करें ए बी सी से याद कर लो ए से अमेरिका बी से ब्रिटेन सी से चाइना फिर आर एफ आर से रूस एफ से फ्रांस आईएमएफ का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता न बेची न्याय परिषद है न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य चौवन है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जी सेवन सदस्य देशों के नाम अमेरिका जापान जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन इटली और कनाडा आईएमएफ का कार्य क्या है जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था उसकी देखरेख करना और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता दोनों उपलब्ध कराना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस चौबीस अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या पंद्रह कब हुई उन्नीस में भारत सुरक्षा परिषद के कौन से देशों की संख्या में बढ़ोतरी चाहता है स्थाई और अस्थाई दोनों तरह तो के सदस्यों की संख्या में भारत है वो बढ़ोतरी चाहता है आई ए एफ ए आई ए का पूरा नाम क्या है तो ये एक अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई उन्नीस सौ सत्तावन को ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आई ए ई ए का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी उन्नीस सौ सत्तावन में बनी अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब और किसने के तो उन्नीस सौ इकतालीस में चार्टर पर हस्ताक्षर हुए अमेरिका और ब्रिटेनी नेताओं के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके क्या प्रभाव है तो ग्लोबल वार्मिंग विश्व जो तापमान में वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पे उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है समुद्र तल की ऊंचाई इससे बढ़ रही है और इस कारण से विश्व के समुद्र तट पे जो भी देश हैं बड़े शहर हैं उनके डूबने का खतरा है सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद के चार्टर के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद चौबीस में है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है एक स्वयंसेवी संगठन है किसका ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है हुमेन राइट वॉच ये मानव अधिकारों की वकालत करता है इससे, उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है इंटरनेशनल right ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो हमने देख ली के वित्तीय देखरेख करता है सुरक्षा परिषद की टिप्पणी दिखनी है तो सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है इसमें पंद्रह सदस्य होते हैं पांच स्थायी दस स्थाई और जो अस्थायी सदस्य उनका कार्यकाल दो वर्ष का उत्तर इनका चुनाव महासभा करती है सुरक्षा परिषद के कोई दो कार्य सुरक्षा परिषद के दो कार्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसी भी बड़ी घटना विवाद की जांच कर आदेश जारी करना विश्व बैंक पे टिप्पणी लिखनी इसकी स्थापना उन्नीस सौ चौरानवे में, में हुई थी और विश्व बैंक क्या क्या कार्यकर्ता है विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एक जनवरी दो उन्नीस को हुई थी और वर्तमान में इसमें एक सदस्य हैं आई ए की टिप्पणी लिखनी है यू के सामने किन दो तरह की बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है यू में कौन से दो बुनियादी सुधार आपसे पूछे जा सकते हैं तो संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसके देशों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए विकास को बढ़ा देना चाहिए और संगठन के जो न्याय अधिकार हैं उनकी जो भी मसले हैं उनमें समीक्षा होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की कमियाँ कौन सी हैं तो सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी जो मूल्य हैं हित हैं अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का ही प्रभुत्व रहता है सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व नहीं है केवल पांच देशों के पास ही वीटो तो पावर है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका प्रभुत्व के कारण क्या है तो अमेरिका प्रभुत्व के कौन से कारण है एकमात्र महाशक्ति है अमेरिका एक दुर्य विश्व व्यवस्था में अमेरिका का ही वर्चस्व है बजट में अमेरिका का बड़ा योगदान है इसलिए अमेरिका का ज़्यादा रोल रहता है नौकरशाही भी अधिकांश जो ऑफिस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो अमेरिका में ही हैं तो अधिकांश कर्मचारी भी अमेरिका के ही हैं वीटो पावर भी अमेरिका के पास ज़्यादा है सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है ये हमने देख लिया यूएनओ के प्रमुख एजेंसियां विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसको बोलते हैं यूनेस्को यूनिसेफ यूएनओ के छह कौन से महासभा सुरक्षा परिषद सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो न्यासिका परिषद है भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहिए कोई चार कारण लिखिए आप कैसे मानते हो कि भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए किसका सुरक्षा परिषद का तो इसके पीछे कारण कौन से तर्क देने आपके तर्क पूछ रहे हैं या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है आपके मतानुसार क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का की जो सुरक्षा परिषद है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता है या भारत के नागरिक के रूप में आप सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बने इस पक्ष में सम, इसके समर्थक हो तो इसमें आपको तर्क देने कि क्यों बने भारत कौन सी मजबूत कारण है तो आपको मजबूत तर्क देने तो इसमें हम तर्क दे सकते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है और इस भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें भाग लेता है बढ़ चढ़ कर भाग लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति के प्रयास हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अतिरिक्त तो भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी नियमित रूप से अपना योगदान देता रहता है सुरक्षा परिषद के लिए चार आवश्यक मापदंड बताइए जिसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है यह भी स्पष्ट करना है अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझाना है संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए कदम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कैसे सशक्त बना सकते हैं इसको तो एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए कोई यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों अत्याचार से से बचाने में असफल हो तो बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले इस बात की स्वीकृति भी दे मानवाधिकार परिषद की स्थापना हो सह जो विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने पर सहमति बने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा हो लोकतांत्रिक कोष गठित हो एक दूर विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका स्पष्ट कीजिए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों की बातचीत कायम कर सकता है जगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर एक से अधिक देशों को एक किया जा सकता है शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कर अंकुश लगा सकता है आज विश्व के अधिकांश मुद्दे आपसी बात आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं मनी समाज के विभिन्न आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी निरंतर बढ़ती जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को सुमिलित कीजिए कौन सी एजेंसी क्या कार्य करती है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या काम करती है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए आणविक एजेंसी जो भी तकनीक है प्रौद्योगिकी है परमाणु तकनीक है उसका शांतिपूर्ण उपयोग इस पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्त संबंधी कार्य करती है सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी कार्य करती है विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य से संबंधित विश्व व्यापार संगठन मुक्त व्यापार की राह आसान करता है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन पूरे विश्व के लिए अप्रियारी है उसके पक्ष में आपको तर्क देने संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों जरूरी है क्या इसे भंग कर दिया जाए और नहीं किया जाए तो इसकी प्रासंगिकता बतानी है क्यों नहीं किया जाए तो इसमें आपको दो चार तर्क आने चाहिए के माध्यम से अमेरिका जो कि एक महाशक्ति है बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ संघ ने ही संघर्ष और आर्थिक विकास से निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का कार्य किया है एक मंच प्रदान किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अलावा बाकी देशों की बातचीत करने का मंच प्रदान करता है जहाँ अमरीकी दृष्टिकोण नीतियों को संशोधित किया जा सकता है उनका विरोध किया जा सकता है वैश्वीकरण की इन आधुनिक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों के बावजूद भी इसका अस्तित्व आवश्यक है आज विभिन्न समाज और मसलों के बीच यानी तार जोड़ते जाने कोई भी देश अकेला विकास नहीं कर सकता परस्पर जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है तो प्रौद्योगिकी ये सिद्ध कर रही है कि आने वाले समय में विश्व के पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उन तरीकों को खोजने में मददगार होगा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों में होगा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध होगा तो यह अति महत्वपूर्ण तो प्रश्न हल्की अपने नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इससे बनने वाले इस चैप्टर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे बहुत कम समय में और सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आपने अब तक भी राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस तो भी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे तो देखते हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी सीरीज क्लब ऑफ रोम समूह ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम क्या था लिमिट टू ग्रोथ और ये प्रकाशित कब हुई उन्नीस में कब प्रकाशित हुई उन्नीस में लिमिट टू ग्रोथ किस समूह ने प्रकाशित की क्लब ऑफ रोम ने ऐसे भी पूछा जा सकता है किस वर्ष प्रकाशित की उन्नीस सौ बहत्तर में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ तो उन्नीस सौ बानवे में एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन नाम क्या रखा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे रियो डी जेनेरियो में देश कौन सा था ब्राजील अवर कॉमन फ्यूचर हमारा सामान्य भविष्य सतत विकास और पर्यावरण से संबंधित ये मुद्दा था वेटलैंड रिपोर्ट के नाम से यह जाना जाता है ये कब प्रकाशित हुई तो उन्नीस में एट्टी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कौन सा है भारत में मूलवासी कुल जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है तो आठ प्रतिशत है मूलवासियों की जो जनसंख्या है वो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है ये देखना है तो ऑक्सीजन है ये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो जीवन देती है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रो है ये वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी तो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस हैं तो ये भी ध्यान रखें आप चिल्ले नामक मूलवासी चिल्ले एक देश है वहाँ पे कौन से मूलवासी रहते हैं मोपुसे मापुसे कौन से हैं मापुसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्नीस में मूलवासियों की परिभाषा मूलवासियों की जो परिभाषा थी वो दी थी तो इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों को कब परिभाषा दी उन्नीस में तुर्की सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पे बांध को लेकर विवाद है भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया 2001 में पूर्व एग्जाम में भी पहले पूछा हुआ है प्रश्न आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो इससे कौन सा कहते हैं टिकाऊ विकास सतत विकास टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीयता का विकास कई नाम है इसके तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे कहते हैं सतत विकास उन्नीस में क्लब ऑफ रोम की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी लिमिट टू ग्रोथ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था उन्नीस में, में? रियो डी जेनेरियो में फ्रांस ब्राज़ील में देश कौन सा था ब्राजील में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी उन्नीस में वैश्विक संपदा या मानवता के साझी विरासत के उदाहरण हैं जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है वो साझी संपदा आप जानते होंगे मानवता की साझी विरासत जिस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं हो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो पूरी मानव जाति का अधिकार हो पूरे विश्व का अधिकार हो उसे कहते हैं वैश्विक संपदा तो वैश्विक संपदा किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया मानवता की सांझी विरासत क्या है ये भी आपको समझ में आ गया अब आप देखें कौन से हैं पूरा वायुमंडल है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं, किस एक नहीं का। किसी एक व्यक्ति का नहीं हमारे है अंटार्कटिका इस पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है अंतरिक्ष हमारे ऊपर अंतरिक्ष है उस पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है समुन्द्र पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है तो ये सब किस में आते हैं सांझी विरासत में क्वाटो प्रोटोकॉल कब और कहां हुआ था उन्नीस सौ में, में हुआ था जापान के शहर क्वाटो में वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैसी उत्तरदायी है ये आपको ध्यान है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी गई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्वाटो प्रोटोकोल की बाध्यताओं से कौन से देश को अलग रखा गया है भारत चीन जैसे जो विकासशील देश हैं उनको क्वाटो प्रोटोकॉल हुआ था उन्नीस सौ सत्तानवे में अभी हमने देखा क्वाटो प्रोटोकॉल क्या था कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान के शहर क्वाटो में उन्नीस सौ में एक सम्मेलन हुआ था उसको कहते हैं सम्मेलन या समझौता उसको कहते हैं क्वाटो क्योंकि वो क्वाटो शहर में हुआ प्रोटोकॉल का मतलब समझौता तो क्वाटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्वाटो में हुआ एक समझौता है जो उन्नीस सौ में, में हुआ था और उसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने पे समझौता हुआ था भारत चीन जैसे जो विकासशील देश हैं जो अभी विकास कर ही रहे हैं जो कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया है इन देशों ने बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं किया और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया तो इनको छूट दी गई है भारत ने क्वाटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किए 2002 में फिलीपींस के लोगों ने कौन सी ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया तो ये क्वाटो प्रोटोकॉल है मोस्ट है आप बिल्कुल ध्यान रखें इसको कहाँ पे हुआ क्यों हुआ इस पे कौन से समझौता किस बात पे हुआ क्वाटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी आपको बताते जाऊँगी विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है और दूसरा हमने देखा था इराक विश्व राजनीति के विद्वानों के अनुसार समय समय आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वह क्या कहलाएगा तो विश्व राजनीति के विद्वानों ने शंका व्यक्त की है अंदेशा व्यक्त किया है कि अगला जो युद्ध होगा वो जल युद्ध होगा भारत में मूलवासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है अनुसूचित जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने अनुसूचित तो जनजाति एस टी ये कितने प्रतिशत है आठ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल वासियों की परिभाषा कब दी उन्नीस में पृथ्वी पर कौन से उद्योग को सबसे ताकतवर माना गया है खनिज उद्योग को एजेंडा इक्कीस क्या है और ये कब तैयार किया गया था तो एजेंडा इक्कीस जो है वो पृथ्वी सम्मेलन में तैयार हुआ था उन्नीस सौ में, में इसका झुकाव इसमें है पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर ज्यादा है रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था डी जो सम्मेलन हुआ था उन्नीस सौ बानवे में जिसमें एजेंडा इक्कीस तय किया गया इसमें एक सौ सत्तर देशों ने भाग लिया था मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध के विरोध में चला था कौन सा बांध सरदार सरोवर बांध ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पे बनने वाले बांध का विरोध फ्रैकलीन नदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ओशियान क्षेत्र में कौन से वंश के मूलवासी रहते हैं पोलिनेशिया मलेशिया और माइक्रोनेशियांश के वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रीजनल पीपल का गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कब हुआ उन्नीस में भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम क्यों चल रही है क्योंकि इनकी संख्या वो लुप्त होने के कगार पे है तो इनको बचाने के लिए चल रहा है बंगाल टाइगर कहाँ पे चल रहा है बंगाल में पश्चिमी बंगाल में भारत के पावन वन प्रांतर या देव स्थान को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है वानी केकड़ी आरान के नाम से वर्तमान में विश्व के स्वच्छ जल का सत्तर प्रतिशत हिस्सा कौन से महादेश में है अंटार्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप कौन सी मछली पाई जाती है प्रील मछली ओजोन परत में छेद होने का क्या कारण है तो ओजोन परत में ओजोन जो परत है उसमें छेद छेद होने से आप क्या समझते हैं तो ओजोन परत वायुमंडल या सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं उनसे मानव को बचाने का कार्य करती है तो धरती की ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें ओजोन गैस की मात्रा है उसमें कमी हो रही है तो वो कम होने से उसमें छेद हो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल वासियों की क्या परिभाषा दी है तो संयुक्त राष्ट्र ने उन्नीस में परिभाषा दी कि मूलवासी कौन है तो इनकी परिभाषा है कि ऐसे लोगों के वंशज जो बहुत लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं और जिनकी संस्कृति और सभ्यता विशिष्ट हो इसकी सब संस्कृति और सभ्यता विशिष्ट हो और जो लंबे समय से एक ही क्षेत्र पर रह रहे हों उन्हें कहते हैं मूलवासी ये परिभाषा किसने दी संयुक्त राष्ट्र ने कब दी उन्नीस में ये आपको बिल्कुल याद करना है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपनाए विश्व के प्रमुख मूलवासी और उनसे संबंधित देशों के नाम बताने तो ये कौन कौन से फिलीपींस में कोली डेरा है चिल्ले में मापू है और बांग्लादेश में चटगाव में पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं पनामा नहर के कोना नामक मूलवासी हैं अराल सागर के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा अराल नामक सागर है उसके आसपास हजारों लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा क्योंकि वो पानी था वो विषाक्त हो गया था जहरीला हो गया था इसलिए मछली उद्योग था वो नष्ट हो गया और जो अन्य उद्योग से भी जुड़ा हुआ कार्य था वो भी जो जहाजरानी उद्योग से जुड़ा हुआ काम था वो भी समाप्त हो गया और पानी में नमक की सुंदरता अधिक बढ़ जाने से कृषि पैदावार भी वहाँ नहीं हो रही थी इसलिए वहाँ के लोग थे उनको वहाँ अब अपना स्थान छोड़ना पड़ा पृथ्वी सम्मेलन उन्नीस में, में हुआ था पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था रियो डी रियोडीजेंद्रो में हुआ 170 देशों ने भाग लिया और ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपने साझी लेकिन अलग अलग, अलग जिम्मेदारी उन्नीस सौ के पृथ्वी सम्मेलन में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया और इसमें कार्बन उत्सर्जन और अन्य गतिविधियों से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वह देश उसी अनुपात में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे जिस अनुपात में उसने कार्बन का उत्सर्जन किया पर्यावरण संरक्षण पे भारत के विचार वाटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये हमने ऊपर देख लिया रियो सम्मेलन ये भी हमने देख लिया एजेंडा इक्कीस भी इसे मिलाया गया जैव विविधता पे भी जोर दिया गया जलवायु परिवर्तन पे भी जोर दिया गया वानिकी पे भी जोर दिया गया तीन मुद्दे थे इसमें जलवायु जैव विविधता और वानिकी एजेंडा इक्कीस जिसमें विकास के तौर तरीके समझाए गए सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कॉन्सेप्ट लाया गया पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक राजनीति के दायरे में से लाया गया मूलवासी और उनके अधिकारों की मांग मूलवासी कौन से अधिकारों की मांग करते हैं उचित पुनर्वास हो उनकी सभ्यता और संस्कृति का बचाए रखा जाए यानी उनकी सभ्यता और संस्कृति के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं उनका हो उनका संरक्षण हो मूलवासी चाहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता की पहचान बनी रहे उनके लिए उचित रोजगार हो भूमि आवंटित हो पर्यावरण संरक्षण पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के विचार क्या विकासशील देशों के भी हम कह सकते हैं इसको उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी विकसित देश और विकासशील उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं उनका मानना है कि विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण में बराबर योगदान देना चाहिए जबकि जो विकासशील देश हैं उनका मानना है कि हमने अभी तक उद्योग लगाए ही नहीं हमने कार्बन का उत्सर्जन किया ही नहीं हम अभी गरीबी से उबरने का ही प्रयास कर रहे हैं तो हमें बराबर का योगदान हम नहीं दे सकते तो विकसित देश हैं वो हमें तकनीक दें उद्योगीकरण में हमें सहायता दें अतः पर्यावरण संरक्षण का कार्य विकसित देशों को ही करना चाहिए महत्वपूर्ण चैप्टर अपना है वैश्वीकरण ये जो चैप्टर होने वाला है ये अति महत्वपूर्ण है वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का आपस में जोड़ना वो चाहे पूंजी हो व्यक्ति हो उसके द्वारा या इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है सूचना का संचार का प्रौद्योगिकी का तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की वैश्वीकरण विश्व के अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाने की एक प्रक्रिया है उसको कहते हैं वैश्वीकरण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई उन्नीस सौ से वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई 2001 में और इसमें चौथी बैठक होती है वो होती है दो हजार चार में ये ध्यान रखें आप वर्ल्ड सोशल फोरम अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा लें इनको याद करें आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है उन्नीस सौ इक्यानवे वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक होती है दो हजार एक में यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने कौन से पेड़ को पेटेंट करने का प्रयास किया था नीम के पेड़ का नीली जींस की लोकप्रियता कौन से देश का सांस्कृतिक प्रभाव दर्शाती है अमेरिका नीली जेंस जीन्स जो पहनते हैं वो किस देश के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है अमेरिका के कौन सा विचारक मौजूदा वैश्वीकरण को विश्वव्यापी पूंजीवाद की खास अवस्था मानते हैं वो मानते हैं वामपंथी वामपंथी दक्षिणपंथी ये आपको ध्यान हो वामपंथी कौन होते हैं जो सामाजिक समानता पे जोर देते हैं और पंथी होते हैं जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं तो वामपंथी किसको मानते हैं वैश्वीकरण को विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक अवस्था मानते हैं दक्षिणी पंथी विचारक कौन से प्रभाव का विरोध करते हैं तो ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध करते हैं वैश्वीकरण का क्या अर्थ है तो विश्व की एक ये अवधारणा वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में परवाह है जिसमें विश्व एक हिस्से विश्व के एक हिस्से के विचार विचार हों पूंजी हों व्यापार हों वो दूसरे हिस्से के मध्य उनके बीच कम्युनिकेशन होता है संचार होता है वो आपस में जुड़ते हैं उसको कहते हैं वैश्वीकरण विश्व के कारण वैश्वीकरण के कारण विश्व में क्या क्या परिवर्तन हुए प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है यानी तकनीक का विस्तार हुआ है विकास हुआ है जैसे टेलीग्राम टेलीफोन माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी विस्तार प्रौद्योगिकी के कारण पूंज विचार हैं वो एक देश से दूसरे देश में पूंजी है यानी पैसे हैं मुद्रा है वो एक देश से दूसरे देश में वस्तु है एक देश से दूसरे देश में लोगों की विश्व में आवाज आई आसान हो गई इससे मैकडोनल्डीकरण क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अपने विभिन्न जो देशों की संस्कृतियां हैं उनके प्रभुत्व जो विभिन्न देशों की संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियां अपने को प्रभुत्वशाली अमरीकी ढर्रे पे ढालने लगी जैसे भारत का युवा है वो अमरीकी ढर्रे के अनुसार अपने को ढालता है तो इसे हम क्या कहेंगे मैकडोनल्डीकरण करेंग कहेंगे जिसे विश्व की संस्कृति जो धरोहर है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है जिससे समूची मानवता को खतरा पैदा हो गया है ये संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है मैकडोनल्डीकरण तो मैकडोनल्डीकरण का सरल सा जो अर्थ हम देखें तो उसका मतलब है कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियाँ अमेरिका की जो नकल करती हैं उसी को अपना मॉडल मानती हैं और उसी के अनुसार उसी को फॉलो करती हैं तो उसे कहते हैं मैकडोनल्डीकरण और ये किसी भी संस्कृति के लिए नकारात्मक प्रभाव है सांस्कृतिक विभिन्नीकरण किसे कहते हैं वैश्वीकरण के कारण अपनी संस्कृति के पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना उसे वैश्विक परिदृश्य में परिष्कृत करना सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहलाता है यानी अपनी संस्कृतियों के साथ चलते हुए अपनी जो अच्छी बातें हैं किसी दूसरी संस्कृति की उनको स्वीकार कर लेना दूसरी संस्कृतियों की को भी महत्व देना वह भी सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहलाता है विश्व की कोई दो आलोच वैश्वीकरण की कोई दो आलोचना लिखनी तो वामपंथियों के अनुसार क्या आलोचना दक्षिणी पंथियों के अनुसार क्या आलोचना है? है तो वामपंथी मानते हैं कि वैश्वीकरण की वैश्वीकरण जो है वो पूंजीवाद की ही अवस्था है और इसके कारण धनवान हैं वो और अधिक धनवान और गरीब है वो और अधिक गरीब बना है दक्षिणपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य कमजोर हुआ है और कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और संरक्षण के दौरान दूर हैं वो फिर कायम हो गए वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है ये वैश्वीकरण से संबंधित है वैश्वीकरण का विरोधी है समर्थक है कि ये देख लेते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम क्या काम करता है वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित एक विश्वव्यापी मंच है बिल्कुल क्लियर हो गया विश्व वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए एक विश्व स्तर पर मंच बना हुआ है उसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम जिसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं पर्यावरण को बचाने वाले पर्यावरणवादी बचे हुए हैं जुड़े हुए हैं मजदूर युवा जुड़े हुए हैं मजदूर भी जुड़े हुए हैं युवा भी जुड़े हुए हैं महिला कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं कौन से उदारवाद का नव उदारवादी वैश्वीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक का आयोजन 2001 में और चौथी का 2004 में वैश्वीकरण के उदय के कारण क्या है ये बताने तो वैश्वीकरण का उदय किस कारण से हुआ है प्रौद्योगिकी में विकास होने से और विश्वव्यापी परस्पर जुड़ाव से वैश्वीकरण आगे बढ़ा है यानी इसका उदय हुआ है वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हो इसके कारण बताने तो वैश्वीकरण का अर्थ तो हमने देख ही लिया ये विश्व के विभिन्न देशों के बीच तीर्व एकीकरण की प्रक्रिया है इसे वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं ये एक बहुराष्ट्रीय अवधारणा है जिसमें एक देश का दूसरे देश या कई देशों के साथ जुड़ाव होता है वैश्वीकरण के कारण हमने देख ही लिए कि कौन कौन से वैश्वीकरण किसके कारण बढ़ा है तकनीक के कारण बढ़ा है प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है परस्पर विश्व के जुड़ाव के कारण बढ़ा है और जुड़ाव किस प्रकार से हो सकता है व्यक्ति के स्तर पर हो सकता है वस्तुओं के आधार पर हो सकता है सेवा के आधार पर हो सकता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं ये बिल्कुल ध्यान रखें आप वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना योगदान किस प्रकार से देती हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय मतलब वो कंपनियाँ जिनके कार्यालय एक से अधिक देशों में होते हैं दो से अधिक देशों में होते हैं उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय जो संपूर्ण विश्व में जाकर अपना व्यापार करती हैं अपना बिजनेस करती हैं जैसे भारत में भी आप देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना कार्य कर रही हैं जैसे उदाहरण से हम देखें फ्लिपकार्ट है और भी कई कंपनियाँ हैं जोमोटो है एमाजॉन जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रोल अदा कर रहे हैं ये भूमिका तो इनका ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली कंपनियाँ होती वैश्वीकरण का विरोध किस प्रकार से हो रहा है या कौन कौन से संगठन हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं तो वैश्वीकरण का विरोध वामपंथी करते हैं दक्षिणीपंथी करते हैं इसको हमने देख ही लिया वामपंथी किस आधार पर करते हैं वो तो इसे वैश्वीकरण को पूंजीवाद की ही एक अवस्था मानते हैं और इनका मानना है कि पूंजीवाद के कारण धनवान है वो और धनवान हुआ गरीब है वो और गरीब हो गए है दक्षिणपंथी मानते हैं कि ये राज्यों की जो सीमा है उसको प्रभावित करते हैं और ये संरक्षणवाद को भी डिस्टर्ब करते हैं संस्कृतियों को डिस्टर्ब करते हैं संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये दक्षिणपंथी हैं जो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं टीवी चैनलों का विरोध करते हैं वैश्वीकरण विरोधी और भी सोशल मंच जैसे कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं वर्ल्ड सोशल फोरम है डब्ल्यू एस एफ जिसको हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के प्रतिरोध के प्रमुख कारण कौन से हैं वैश्वीकरण का विरोध क्यों होता है इसके क्या कारण है यानी वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भी हम इसमें नोट कर सकते हैं राज्य की शक्ति में कमी हुई है इस कारण भी इसका विरोध करते हैं कि वैश्वीकरण के आलोचक मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो संप्रभुता है वो डिस्टर्ब होती है उसमें कमी आती है लोक कल्याणकारी कार्य राज्य नहीं कर पाता वो विश्व स्तर पे दबाव में रहता है तो अपने जो नागरिक हैं उनको लोक कल्याणकारी कार्यों से लाभान्वित तो नहीं कर पाता बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी दूसरे देशों में रहती हैं नव उपनिवेशवाद को भी जन्म देती हैं वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी जो संस्कृति है उसको थोप रहा है जैसे अमेरिकी संस्कृति को आज का युवा वर्ग है वो फॉलो कर रहा है और अपनी संस्कृति को जो मूल संस्कृति है भारतीय संस्कृति है उसको भूलता जा रहा है तो ये नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव कौन से हैं तो इससे राज्य की शक्ति में कमी आई है वैश्वीकरण के कारण राज्य दूसरे विश्व के अन्य जो देश हैं उनकी प्रभाव में रहता है और बहुत से कार्य ना चाह कर भी उसे करने पड़ते हैं वैश्विकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जिसमें हमने देख ही लिया बाहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारी जो मूल जो संस्कृति वो प्रभावित तो होती है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर डोसा वर्तमान खान पान का हिस्सा बन चुका है जो हमारे मूल जो खान पान था उसको हम भूलते जा रहे हैं नीली जीन्सा इसी का हिस्सा है खादी का जो अमेरिकन नीली जीन्स है वो इसी का हिस्सा है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना इसमें नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण से लोगों में विश्वव्यापी जुड़ाव बढ़ा है सकारात्मक प्रभाव में हम देख सकते हैं कि इससे विश्व स्तर पर लोगों का आपस में जुड़ाव बढ़ा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा विकासशील देशों को उन्नत तकनीक का लाभ मिला है वैश्वीकरण से विश्वव्यापी सूचना और संचार क्रांति को जन्म हुआ है यानी सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है इससे वैश्वीकरण के कारण रोजगार में भी वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण पूंजी की, की गतिशीलता बढ़ी है पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखें तो इससे इसके कारण अमीर और अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते गए हैं वैश्वीकरण के कारण बुनियादी आवश्यकताएं के की जो वस्तुएं होती हैं वो और अधिक महंगी हो जाती हैं तो गरीब की पहुंच से दूर हो जाते हैं वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति की हानि होती है जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो नुकसान होता है उसको और सदियों पुराने जो जीवन मूल्य हैं जीने के जो तौर तरीके हैं वो उनको नुकसान होता है वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है वैश्वीकरण से राज्य के गरीबों की हितों की, की रक्षा करने की जो क्षमता है राज्य की वो कम होती जा रही है भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव ये है यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वैश्वीकरण ने भारत को काफी प्रभावित किया है भारत ने 1990 नब्बे के दशक के प्रारंभ में अपनी अर्थव्यवस्था को खुला यानी वैश्वीकरण को अपनाया भारत ने कब उन्नीस सौ इक्यानवे में यानी नब्बे के दशक में वैश्वीकरण से भारत पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े पहले हम बात करेंगे सकारात्मक के तो वैश्वीकरण के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक विकास है वो तेज हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर निवेश कर रही हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ भी भारत को मिल रहा है भारत में सूचना और संचार क्षेत्र में भी प्रगति हुई है उन्नति हुई है भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और बेरोजगारी में कमी आई है नकारात्मक प्रभाव हम देखें तो इसके प्रभाव होंगे नकारात्मक प्रभाव में हम देख सकते हैं कि इससे अमीर और अमीर तो गरीब और गरीब होते गए वैश्वीकरण से भारत की जो कंपनियां हैं घरेलू जो कंपनियां हैं वो बंद हुई हैं और विदेशी कंपनियों का यहाँ जो बाहुल्य है वो बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं और एक अधिकार स्थापित कर लिया है वैश्वीकरण से अनेक वस्तु और मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना काम निकालने के लिए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को भी बढ़ावा देती हैं तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा है हमारी घरेलू जो कंपनियाँ थी उनको नुकसान हुआ है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान हुआ है अमीर और अधिक अमीर तो गरीब और अधिक गरीब हुआ यानी अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ी है तो ये नकारात्मक प्रभाव थे ये हमने वैश्वीकरण का चैप्टर बड़े सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है